सुख हो या दुख हो, अपनों का साथ परम आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। अपनों के साथ समय का पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है। लेकिन जरा विचार कीजिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई साथी ना हो, कोई अपना ना हो, कोई संबंधी ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कई दिनों के बराबर आपको प्रतीत होगा, समय जैसे रुक सा गया हो, ऐसा आपको प्रतीत होगा। किंतु ऐसा तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते, किसी से मित्रता नहीं कर लेते। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में आपका अपना कौन है? क्या वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, क्या वो मित्र जिनके साथ आपका बचपन बीता है, या फिर वो आपके साथ काम करने वाले लोग जो दिन भर आपके साथ रहते हैं? नहीं, इनमें से आपका कोई भी अपना नहीं है, यदि वो विपत्ति में आपके काम ना आए तो। अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय आने पर हो जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। समझ गए तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने तो देवताओं को भी मंत्रमुग्ध कर लिया था, लेकिन श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को समझना इतना आसान भी नहीं है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को दो ही चीजें अत्यंत प्रिय थी, एक उनकी बांसुरी जिसे वे सदैव अपने पास रखते थे, तो दूसरी थी राधा जी। वो अपनी बांसुरी की मधुर धुन अपनी प्रिय राधा जी को सुनाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था जिसे सुनकर सभी जीव उस मधुर धुन में खो जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को राधा जी से दूर होना पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत से ऐसे कार्य करने थे जिनके लिए उन्होंने अवतार लिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से दूर हो गए। समय बीतता गया, श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के सभी कार्य पूरे कर लिए। उधर राधा जी भी श्री कृष्ण को याद कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। राधा जी को सदैव किशोरी रहने का वरदान प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन जो इस संसार में जन्म लेता है उसे जाना भी पड़ता है। जब राधा जी का देह त्यागने का समय आया तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। भगवान को उनका कोई प्रिय पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण तुरंत राधा जी के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण जानते थे कि अब राधा का शरीर छोड़ने का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि राधा, मांगो तुम क्या मांगती हो, लेकिन राधा ने मना कर दिया। जब श्री कृष्ण ने पुनः ये कहा तो राधा ने कहा कि मुझे अपनी बांसुरी की मधुर धुन सुनाइए, और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में धीरे धीरे खोती चली गई और अपनी देह का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। वैसे तो राधा श्री कृष्ण का ही स्वरूप थी, लेकिन इतने वर्षों के अटूट प्रेम के कारण श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हो गए। दुखी होकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक डाली। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राधा जी को खोने पर अपनी प्रिय वस्तु बांसुरी का भी त्याग कर दिया। दोस्तों, हो सकता है इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला हो, किंतु भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। हम तो केवल मात्र प्रयास कर सकते हैं उनकी लीला समझने का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। मनुष्य की सोच बहुत ही गतिशील होती है। मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन जब कोई ज्यादा ही सोचने लगता है तो ये एक समस्या बन जाती है। वो केवल सोचता ही रहता है
कर कुछ नहीं पाता। ऐसा मनुष्य अपने से अधिक संपन्न लोगों के बारे में सोचता रहता है और दुखी होता है। हम व्यर्थ ही ये सोचते रहते हैं कि इसके पास मुझसे ज्यादा धन है, मुझसे ज्यादा बल है और ये कितना भाग्यशाली है। किंतु ऐसा सोचने पर हमारे मन में हीन भावना आ जाती है, हम अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी के पास भी बहुत कुछ है, बस जरूरत है तो समझने की। एक भूखा व्यक्ति अगर रोटी का एक टुकड़ा भी प्राप्त कर ले तो उसे भोजन समझता है, और वहीं बहुत से लोगों के लिए वो एक अन्न के दाने के समान है। इसीलिए जब भी आपके मन में हीन भावना जागे तो अपने परिवार के लोगों, अपने माता पिता, भाई बहन की ओर देखें। अगर आप संसार के लिए कुछ भी नहीं है तो भी आप अपने माता पिता का संसार है। अपने संसार में खुश रहिए और अपने माता पिता को भी खुश रखिए। रहा सवाल सुख सुविधाओं और धन का, तो ये तो केवल स्थाई है। सभी वस्त्रहीन पैदा हुए हैं और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। आप अपनों के साथ खुशियां बांटे और लोगों की सहायता करते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी और जीवन का असली आनंद प्राप्त होगा। राधे राधे। राधा, आज मौन कैसे? कृष्ण, ये फूल कैसे खिलते हैं? प्रेम से राधा। और तुम्हारी बांसुरी से संगीत कैसे निकलता है कृष्ण? वो भी प्रेम से ही राधा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, परंतु वास्तव में ये प्रेम बंधन नहीं अपितु बंधनों से मुक्ति है। प्रेम स्वतंत्रता है। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, आपके प्यार को समझ ही ना पाए और अस्वीकार कर दे तो आप क्या करेंगे? ऐसे में कुछ लोग उदास हो जाएंगे, कुछ लोग छल एवं कुछ लोग बल से प्रेम हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा करने से आप सचमुच अपने प्रेम को हासिल कर पाएंगे? हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे प्रेम ना करता हो, वो किसी और से ही प्रेम करता हो। ऐसे में आपका प्यार केवल एक तरफा ही रहकर सिमट जाता है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि एक तरफा प्रेम की ताकत सबसे अधिक होती है और एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा पवित्र और निस्वार्थ होता है। प्रेम ना तो कोई वस्तु है ना कोई स्थान जिसे आप बलपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम तो वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अतः जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही सभी जीवों को भाती है। यदि आपका प्रेम सच्चा होगा उसे अवश्य ही समझ में आएगा। इसलिए स्वार्थ छोड़िए और हृदय से प्रेम करते जाइए। प्रेम केवल नर नारी का मिलन ही नहीं है बल्कि आत्माओं का संगम है। प्रेम शरीर से नहीं अपितु मन से होता है। अतः बिना किसी स्वार्थ से प्रेम करते जाइए। अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो एक ना एक दिन अवश्य ही उसे समझ आएगा और आपके प्यार की कदर अवश्य होगी। दर्शकों, कृष्णा पानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।